देखो बच्चों, मैथ और रीजनिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। मैथ और रीजनिंग अगर टोटल देखिए तो 30% भाग को कवर करती है, और कंप्यूटर है वो 10% भाग को कवर करता है। अगर आप जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी हो गई, उसको पटवारी में कोई नहीं रोकेगा, ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में आएगा। लेकिन जिस बंदे को मैथ आती है, जिसको रीजनिंग आती है, भाई साहब वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है, उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता इसमें। भलाई आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हैं, हम देने जाओ भलाई, दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सबसे हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग वाले बहुत अच्छा अगर इस पे ढंग से ध्यान दे ले, क्योंकि उनका ये पोर्शन तैयार है। और जिस बंदे का ये पोर्शन तैयार नहीं है, भाई साहब उस इस पोर्शन को स्पेशल तैयार करो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपकी औकात चाहिए, पीछे के आए हुए पर्सन, और ज्यादा, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ओके, थैंक यू, आपकी सारी जानकारी मैंने दी, अच्छी लगी तो शेयर कर देना।